नमस्कार फ्रेंड, शोभा की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ स्लीवी सलवार में आपको कैसे जेब लगाना है, या कहीं हमारी पुरानी सलवार है उसमें हम लोग को जेब कैसे लगाना है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ जाए। आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास सलवार है जो बिल्कुल स्लीवी है, रेडी है। इसके ऊपर मुझे जेब लगाना है, तो जेब लगाने के लिए ये हमारा म्यानी का सेंटर पॉइंट होता है, उसके बाद ये सेंटर, तो इस सेंटर पे हमारा जेब लगेगा। तो इस सेंटर को हम ये यहाँ से यहाँ तक हम लोग इसमें कट करेंगे। एक एक पॉइंट है आपको मैं बता देती हूँ, फिर आप करना। उसके बाद उसके ऊपर ये मुग्जी की पट्टी लगेगी। मैजिक कपड़ा नहीं है इसीलिए मैं अंदर लगा रही हूँ, क्योंकि अंदर जाता है तो दिखता नहीं है। एंड जेब के लिए जो हमें लेना है कपड़ा, जेब के लिए हम लोगों को टोटल 21 इंच का कपड़ा लेना है लंबाई में। ये 21 इंच हम लोग लंबाई में कपड़ा लेंगे, क्योंकि 14 इंच का जेब बन जाएगा 7 इंच ऊपर, और ये हमारी 8.5 इंच चौड़ाई, क्योंकि 1-1 इंच दोनों तरफ मार्जिन में जाने के बाद हमारा 6.5 इंच चौड़ाई बैठेगी। आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे एक कट लगाना पड़ेगा बेल्ट में। बेल्ट के स्टार्ट से इस तरीके से एक छोटा सा आप कट लगा देना, और इस कट को हम लोग नीचे तक लगा देंगे जहाँ तक हमारा बेल्ट जा रहा है। थोड़ा सा छोड़ देंगे हम लोग, क्योंकि वो हमारा मार्जिन में जाएगा। अब इस पर हम लोग ये पट्टी लगाएंगे। ये पट्टी जो हम लगाते हैं, ये पट्टी हम लोग इस तरीके से इसको सीधा रख के, और इस पट्टी को हम लोग उल्टा, जैसे आप गले की पट्टी लगाते हो फ्रेंड्स, उस तरीके से हम लोग इसको लगा देंगे, ये कॉर्नर से कॉर्नर मिलाते हुए। आइए फ्रेंड्स को लगाते हैं। सबसे पहले ये इस तरीके से हमारी यहाँ से लग जाएगी, दोनों को मिलाते हुए हम लोगों को लगानी है। बिल्कुल वी बना देना यहाँ पे, तो आपको सीधा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सीधा करने के लिए हमें इसमें हल्का सा कट लगाना पड़ेगा। यहाँ ऊपर भी हम लोग इसी का कॉर्नर बना देंगे। ये कॉर्नर बन गया, अब इसको हम निकाल देंगे। लेकिन ये जो जेब है हमारे पास, ये जो हमारे पास 21 इंच की है, इसको हम लोगों को इस तरीके से 7 इंच तक पे हम लोगों को इसको फोल्ड करना है। ये हमारा टोटल 7 इंच, 7 इंच में से हम 6 इंच तक तो टांका लगाते हैं, 1 इंच हम लोग इसको इस तरीके से खुला छोड़ेंगे, क्योंकि वो अंदर हमारा मुड़ेगा। तो इस तरीके से दोनों तरफ हम टांका लगा देंगे। ये दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से, अब हम सबसे पहले यहाँ पे कट लगा के, और इसको यानी की तरह ये जैसे पीछे मोड़ते हैं हम लोग गले की पट्टी, उस तरीके से हम इसको पीछे फोल्ड कर देंगे। सारी पट्टी हमारी इस तरीके से अंदर चली जाएगी। इसको चाहो तो आप अंदर तुरपाई भी कर लो, और चाहे तो आप इसको सिलाई भी लगा सकते हो फिनिशिंग की। फ्रेंड्स, ये पट्टी हमने लगा दी, चाहे तो इसमें हम तुरपाई कर सकते हैं या चाहे सिलाई कर सकते हैं। अब हमने इस जेब को जो सिला था 6 इंच तक का, और ये 1 इंच हमारा जो मार्जिन है, इसका सेंटर पॉइंट लेंगे और जेब का सेंटर पॉइंट। फ्रेंड्स, इसके लिए आप ध्यान रखना, जो हमने बेल्ट की सिलाई लगाई है उसको इस पे रख के, और यहाँ से हम लोग इसको सिलाई लगाएंगे। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से लगाना पड़ेगा, कि किसी और सिलाई पे आ गया तो थोड़ा सा फिनिशिंग नहीं आती है। और आपको चाहिए तो आप इसको कच्चा भी कर सकते हो, बिल्कुल जो हमारी ये बेल्ट की सिलाई आ रखी है उसके ऊपर ही हम इस सिलाई को देंगे। ये एग्जैक्ट इस तरीके से हम लोग बेल्ट की सिलाई को देखते हुए आप लोग उसी के ऊपर सिलाई लगाना, तो फिनिशिंग ज़्यादा आएगी। और अगर आगे पीछे हो गई तो जेब तो लग जाएगा, लेकिन बस वही है कि फिनिशिंग नहीं होगा। ये हमारा नीचे का पोर्शन रेडी है, अब हम इसका ऊपर का पोर्शन रेडी करेंगे।
नीचे हमारी जेब रेडी है। अब हम इसको ऊपर की तरफ से सिलाई कर देंगे। इसको यहाँ से बिल्कुल इसी शेप में स्क्वायर और ऊपर भी हम लोग इसको सेंटर बिल्कुल इस बेल्ट की पट्टी से जोड़ते हुए लगा देंगे। फ्रेंड्स इस तरीके से इस जेब को नीचे पुश करते हुए आप बिल्कुल यहाँ से सिलाई लगाते हुए आएंगे। हम लोग बिल्कुल स्क्वायर में लगानी है हम लोगों को। ये भी ऊपर जो नेफे का टांका आता है उसके उसी जगह पे आप सिलाई लगाइएगा तो आपको ज़्यादा फिनिशिंग से दिखेगी। अगर ये फ्रेंड्स पट्टी चौड़ी है तो आप इसको डबल करके और अंदर दे देंगे इस तरीके। इसी तरीके से हम सेकंड साइड भी रेडी कर लेंगे। इसे भी इसी तरीके से लगाना है हमें। फ्रेंड्स इस तरीके से ये हमारा जेब रेडी होगा। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये अंदर की साइड है और इसका ये बैक साइड आ जाएगा हमारा। ये यहाँ से ये फ्रेंड्स ये सलवार का ये जेब हमारा रेडी है। फ्रेंड्स इसके लिए भी मैं आपको दो टिप्स देना चाहती हूँ। फर्स्ट है, आपके पास मैचिंग कपड़ा है तो बेस्ट है, और अगर आपके पास नहीं है तो आप अदर से भी लगा सकते हैं। सेकंड कि ये जो पोर्शन है अगर आपको ये ओपन लग रहा है तो हम लोग यहाँ पे इसमें जिप भी लगा सकते हैं, तो जिप लगाने से भी ये और ज़्यादा सुंदर लग सकता है। फ्रेंड्स आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपको समझ में नहीं है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए, स्टेप बाय स्टेप सिलाई सीखते रहिए। धन्यवाद।